तहसील क्षेत्र में एक पटवारी के पास दो से अधिक हलके होने के बाद पटवारी केवल मुख्यालय की ग्राम पंचायत के पटवार हलके का ही मुख्य कार्य संभाल रहे हैं। पटवारी अतिरिक्त चार्ज वाले हलकों व ग्राम पंचायत का कार्यभार नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों के अतिरिक्त कार्यभार नहीं देख पाने से कल गेहूं के सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद के टोकन भी नहीं काट पाए, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियां आ रही हैं। इसमें किसान अपनी उपज को उचित दाम समर्थन मूल्य पर बेचा नहीं कर पाएंगे। प्रशासन को इस पर ध्यान देकर किसानों के हित में टोकन कटवाने हेतु सभी लोग आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संवाददाता गिरिराज की इस विशेष रिपोर्ट में। R9 भारत के लिए गिरिराज रेगर, बगानी, राजस्थान। लेकर चलेंगे आपको राजस्थान के झालरापाटन की तरफ, जहां सांची सखी वुमेन्स एम्पावर्ड सोसाइटी के द्वारा जरूरतमंदों को हैप्पी होली किट का वितरण किया गया है। सोसाइटी के द्वारा होली किट का वितरण रक्तदाता समूह के द्वारा उपलब्ध कराया गया और सोसाइटी की सचिव अनीता शर्मा ने बताया कि रक्तदाता समूह के सहयोग से शहर की भैरूपुरा बस्ती में जरूरतमंदों को हैप्पी होली किट का वितरण हुआ है, ताकि मजदूर तबके व त्यौहार मनाने में असक्षम लोग भी 3 दिवसीय रंगोत्सव की खुशी खुशी मना सकें। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष बरखा शर्मा, कोषाध्यक्ष साधना चौरसिया, उपाध्यक्ष शीला राठौर सहित काफी सारे लोग मौजूद रहे। R9 भारत के लिए अजय भारत, झालरापाटन, राजस्थान। झालवाड़ जिले के एक छोटे से कस्बे से संचालित टीम रक्तदाता समूह के द्वारा पिछले 5 वर्षों से जरूरतमंदों के घर खुशियां लाने का बेहतर प्रयास किया जा रहा है। टीम रक्तदाता समूह के द्वारा चाहे किसी अनजान के इलाज के लिए मदद हो, या फिर किसी शिक्षा के लिए, या फिर किसी बेसहारा परिवार के घर चलाना हो, या फिर दिवाली के त्यौहार पर गरीबों के घर रोशन करने हो, टीम पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ग्रुप के माध्यम से मैसेज वायरल करके कुछ भी समय में दानदाताओं के द्वारा तय राशि टीम के एक अकाउंट में आ जाती है। कहा जाता है कि कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें खुद ही भरना पड़ता है। यही रंग इस बार रक्तदाता समूह के द्वारा 3 दिवसीय रंगोत्सव पर जरूरतमंदों के मुरझाए चेहरों पर लगाने का काम किया गया है। सभी की मदद करते हुए यह समूह नजर आ रहा है। सभी पूरे क्षेत्र में इसकी सराहना भी कर रहे हैं। R9 भारत के लिए अजय भारत की रिपोर्ट, झालवाड़, राजस्थान। फागोत्सव में किया गया बाबा श्याम का गुणगान। जी हां, पापटा से हम बात कर रहे हैं। रंगोत्सव के पावन अवसर पर कस्बे स्थित राठी मंदिर के फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज राधा मोहन दास के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। फागोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम के मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम संयोजक सांवरिया मित्र मंडल पापटा के सदस्य संतोष अग्रवाल ने बताया कि मंडल द्वारा यह फागोत्सव कार्यक्रम समाज में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए किया गया है। बाबा श्याम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कार्यक्रम का समापन बाबा श्याम की आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ किया गया। R9 भारत के लिए सुशील कुमार बंसल की रिपोर्ट, पापटा, जयपुर, राजस्थान।